नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को बेनकाब कर दिया है। उसके काम और चलन में जो अंतर है, कथनी और करनी में जो अंतर है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ तो फेसबुक ये दावा करती है कि वो हेट स्पीच को रोकने के लिए, वायलेंस वाली पोस्ट रोकने के लिए तमाम तरह के नियम कायदे बनाकर चलती है और उन पर अमल करती है। दूसरी तरफ एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिनसे पता चलता है कि ये सच नहीं है। जो फेसबुक है वो अपने बहुत सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाती है, अन्यथा नहीं उठाती है। अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फेसबुक है उसने अपने आंतरिक आकलन में पाया था कि बजरंग दल जो है एक खतरनाक संगठन है और उसकी जो पोस्ट होती हैं उनमें नफरत होती है, उनमें हिंसा होती है, और जो नियम कायदे हैं फेसबुक के उसके हिसाब से जो खतरनाक संगठन मान लिए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनकी जो पोस्ट होती है उन पर खास तरह की मॉनिटरिंग होती है और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं। न केवल बजरंग दल बल्कि दो और अतिवादी हिंदू संगठनों के नाम इसमें शामिल हैं जिनमें श्रीराम सेने हैं और सनातन संस्था है। हम सब जानते हैं कि ये उग्रवादी हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं और इनकी जो गतिविधियां हैं हमेशा अल्पसंख्यक विरोधी होती हैं। कई ऐसी घटनाओं का, गतिविधियों का हवाला भी फेसबुक ने जो अपने आंतरिक आकलन किया है उसमें दिया गया है और उसके आधार पर ये निष्कर्ष भी निकाला गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जब फेसबुक ने ये आकलन कर लिया है और वो मानती है कि ये हेट स्पीच के दायरे में आते हैं इनके संगठन के पोस्ट, तो उन्हें रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती है? क्या दिक्कतें हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं या रिजर्वेशंस हैं वो जो उसको रोक देते हैं इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने से या वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो हेट स्पीच में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन या कहें बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे दो छोटी छोटी सी गुजारिश करेंगे। एक तो ये, हम आपको लगातार कहते आ रहे हैं कि अच्छी पत्रकारिता, अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता देश में हो तो उसको आपको समर्थन देना होगा, सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता बिना धन के नहीं हो सकती है। उसको भी आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है उसके लिए, अन्यथा वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सत हिंदी की सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, उसमें उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए और थोड़ा बहुत आर्थिक योगदान हमारे इस sathhindi.com को दीजिए। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करने से आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और अपने मन माफिक आप भी कोई सदस्यता उसमें से चुन सकते हैं। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि अब sathhindi.com का ऐप आ गया है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप ये दो कदम, जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। सवाल उठता है कि फेसबुक ने जब मान लिया है कि बजरंग दल एक खतरनाक संगठन है और ये हम सब जानते हैं कि किस तरह की गतिविधियों में बजरंग दल लिप्त रहता है, किस तरह से हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में जुड़ा रहता है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी उसका यही व्यवहार रहता है। इसी तरह से जो और संगठन हैं, जैसे मैंने अभी बताया श्री राम सेने और सनातन संस्था है, और भी कुछ और संगठन हैं जो इस तरह के हैं, मान लिया है अगर खतरनाक संगठन तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को देखें तो दो कारण फेसबुक के कार्रवाई न करने के सामने आते हैं। फेसबुक की रिपोर्ट का ही हवाला देकर ये अखबार कहता है कि पहला तो कारण ये है कि फेसबुक को लगता है कि अगर उसने कार्रवाई की तो उसके धंधे पर चोट पहुंचेगी, उसको नुकसान होगा। आप तो जानते ही हैं कि भारत में करीब 35 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर फेसबुक के हैं
और फेसबुक की जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग साहब, उन्हीं का इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है। तो व्हाट्सएप के भी करीब 30 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। तो आप समझिए कि 65 करोड़ सब्सक्राइबर से ज़्यादा तो यही हो गए, इसके अलावा इंस्टाग्राम के भी 15 करोड़ के आसपास हैं। तो 80 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हिंदुस्तान में फेसबुक की कंपनी के हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के हैं। तो इतना बड़ा बाजार उसने यहाँ बना रखा है और उसको लग रहा है कि अभी उसने करीब 6 अरब डॉलर का निवेश हिंदुस्तान में करने का फैसला किया है। तो उसको लग रहा है कि ये जो निवेश किया जा रहा है उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि ये जो संगठन है इनका संबंध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। वो कई राज्यों में राज कर रही है और केंद्र में उसकी सरकार है ही, और जिस तरह की सरकार है ये भी हम जानते हैं कि ये प्रतिशोधात्मक सरकार है और ये सोशल मीडिया और तमाम तरह के मीडिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। जो मीडिया कंट्रोल में नहीं रहता उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये फेसबुक का डर सता रहा है कि अगर उसने इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न की तो उसके धंधे पर असर पड़ सकता है। दूसरी उसकी चिंता ये है कि अगर कार्रवाई की गई तो हिंदुस्तान में जो उसके ऑफिसेज हैं या उनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन संगठनों का रुख और काम करने का ढंग हिंसा से जुड़ा हुआ है। वो बहुत आक्रामक हैं और हिंसा का भी सहारा लेते रहते हैं, इतने उग्र हैं। तो ये दो खतरे देखकर ये फेसबुक इस तरह का काम करने का हवाला दे रही है। ये पिछले साल भर में उसने ऑब्जर्व किया इस संगठन को और चुपचाप ये रिपोर्ट रखी हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। फेसबुक की तरफ से जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जवाब मांगा तो इसके बारे में बहुत साफ सुथरा जवाब उसे नहीं मिला। मोटे तौर पर लीपा पोती की गई कि नहीं, हम सब जगह कार्रवाई करते हैं, ये हमारा नियम है। नियम क्या है हम जानते हैं, अंकित दास को क्यों हटना पड़ा हम जानते हैं, कैसे कितने बीजेपी नेताओं के जो हेट स्पीच वाले ट्वीट थे, फेसबुक की पोस्ट थी, उनको कैसे नहीं हटाया और किस लिए नहीं हटाया, ये भी अंकित दास बयान कर चुकी हैं, जो कि पॉलिसी डायरेक्टर थी हिंदुस्तान में फेसबुक की, लंबे समय से नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रही थी, गुजरात के जमाने से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पूरी कैंपेन को वो के साथ काम करती थी, उनकी कैंपेन चलाती थी सोशल मीडिया पर, उनको सपोर्ट करती थी और वैचारिक आधार पर भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि विपक्षी दलों के बारे में उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म के अपने बयान भी पोस्ट किए थे, अपने पोस्ट में इस तरह की जाहिर की थी। तो एक तरह की नफरत दूसरे दलों के प्रति और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास, वो सब झलकता था, पक्षपात झलकता था। तो ये एक जो पिछले 10 सालों से फेसबुक का रवैया चला रहा वो इसमें भी दिखा था। तो वही हमें अब फिर देखने को मिल रहा है इस नई रिपोर्ट में भी, कि वो एक तो सरकार को नाखुश नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उसके धंधे पर असर पड़ेगा। उस समय भी ये बात थी, अंकित दास ने भी कहा था कि अगर हम ये इनके पोस्ट पर कार्रवाई करेंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी और हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, और इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो रही थी। यहाँ भी एक रीजन ये दी जा रहा है। दूसरा रीजन जो मैंने बताया कि इन दलों से खतरा है, इन संगठनों से खतरा है। अब सवाल उठता है कि फेसबुक जो इतना बड़ा साम्राज्य है, जिसका जो 100 से अधिक देशों में जो काम कर रहा है, जिसका 3 अरब से ज्यादा दुनिया भर में सब्सक्राइबर हैं और अरबों खरबों का कामकाज है और तमाम तरह की सरकारों पर उसका इतना प्रभाव है, दबाव है, कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उसके हाथ में इतनी बड़ी मीडिया की ताकत है कि कई बार तो वो सरकार को उलटने पुलटने तक की हैसियत में आ जाती है। तो वो ऐसा क्यों है कि वो इन संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती है? क्या वजह है कि वो इतना घबरा रही कि इन संगठनों के से बचने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की मांग नहीं कर सकती है मोदी सरकार से, जबकि वो काफ़ी मित्रवत है उनके रिश्ते? तो ये बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है, जो कि मार्क जकरबर्ग की नीति भी रही है, कि हेट स्पीच को वो रोकना दरअसल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका फायदा होता है।
अमेरिका में तो पूरा हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन चली थी फेसबुक के खिलाफ, क्योंकि फेसबुक और इसके तमाम जो संगठन हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर हेट की पोस्ट को ज्यादा वायरल किया जाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे बिजनेस बढ़े। तो इसके खिलाफ पूरी कैंपेन चली थी और अमेरिका में बहुत सारे कारपोरेट्स ने उसको विज्ञापन देने से मना कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। हिंदुस्तान में और दुनिया के कई देशों में ये सवाल उठ रहे हैं फेसबुक को लेकर, और दबाव भी पड़ रहा है कि आप हेट स्पीच रोकिए, लेकिन हेट स्पीच से कारोबार बढ़ता है फेसबुक का, इसलिए वो इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो धंधे के नाम पर ये इस तरह की समाज को विघटित करने वाली, समाज में हिंसा और नफरत फैलाने वाली चीजों को रोकने के प्रति भी वो बहुत संकल्पबद्ध नहीं दिखता है, ना ज़करबर्ग दिखते हैं, ना उनका जो तमाम प्लेटफॉर्म है दिखते हैं। दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे बनाए रखे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता, वो सेलेक्टिव अमल करते हैं, जहां जिस सरकार से जैसे संबंध बन जाते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। और यहां चूंकि ये संगठन सारे सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार की इनको मदद मिलती है, इनको संरक्षण मिलता है, ये जब भी हिंसक गतिविधि करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये सरकार के संगठन हैं और सरकार को नाराज, इनको नाराज करना मतलब सरकार को नाराज करना है। अब ये जो चिंता है ये इसकी सर्वोपरि है, ये धंधेबाजी में ये समाज का, जनहित का कोई परवाह नहीं करते, हिंदुस्तान का परवाह वो क्यों करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट आई है इस पर आप विश्व हिंदू परिषद की का रिएक्शन है वो भी सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ही युवा संगठन है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हम इस अखबार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हमारे देश में दखल दे रहा है। अरे मूर्खों, ये देश में दखल देने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर के लोग एक दूसरे के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, अमेरिका के बारे में सैकड़ों रिपोर्ट हमारे हिंदुस्तान में प्रकाशित होती है, अमेरिका के संगठनों के बारे में प्रकाशित होती है, लेकिन आप खूब मंडूक हो, आपको पता नहीं है दुनिया कैसे चलती है। और ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसमें दुनिया की निगाहें आप पर लगी हुई हैं। आप ये सोचो कि आप कुछ भी करते रहो, हिंसा करते रहो, गालियां देते रहो, मस्जिद और चर्चों पर अटैक करते रहो, लेकिन आपको कहीं कोई देखे ना, कोई आपके बारे में कोई टिप्पणी ना करे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग ना करे, ये संभव नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व और बजरंग दल के नेतृत्व महामूर्खों का एक कहना चाहिए कि गिरोह है, जो इस तरह की हरकतें करता है और उसको छिपाने के लिए भी आक्रामक रुख अपनाता है और कार्रवाई करने की धमकी देता है। हालांकि कुछ कर नहीं सकते ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ना ही किसी विदेशी अखबार पत्रिकाओं का, क्योंकि ये रिपोर्ट तो आखिरकार फेसबुक के अंदर आकलन हुआ है इस तरह का, उसके उस पर आधारित है। फेसबुक इससे इनकार नहीं कर रहा है, फेसबुक ने खंडन नहीं किया कि हमने इस तरह का कोई आकलन किया है जिसके अनुसार ये संगठन खतरनाक है। तो ये एक गीदड़ भपकी है, बंदर घुड़की है आप कहें, ये विश्व हिंदू परिषद ने जो कुछ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि फेसबुक पर दबाव कैसे पड़ेगा, फेसबुक कैसे अपना रवैया बदलेगा, क्योंकि रिपोर्ट छपने से उसकी क्रेडिबिलिटी तो खराब होती है मार्केट में, हम सब जानते हैं कि उसकी विश्वसनीयता गिरती जाती, घटती जाती, लेकिन जो ताकत है हेट फैलाने की वो उस पर बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह के लोग लगातार अभियान चलाते रहते हैं घृणा का और उसमें कामयाब भी होते रहते हैं। अभी किसान आंदोलन में आप देख ही रहे हैं किस किस तरह से नफरत फैलाई जा रही पूरे संघ परिवार की ओर से, और उसमें सरकार भी शामिल है। तो कुल मिलाकर चिंता यही है कि फेसबुक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये विश्व बिरादरी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये थी मेरी आज की रिपोर्ट, उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको देखा। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।